आप सभी को मेरा नमस्कार। देवान से हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जे आर मीना, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, विनायक पी जी कॉलेज में। देखिए, आज मैं आपके लिए बी ए पार्ट फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की है, तो सेमेस्टर हिंदी साहित्य में जो रखा है, ये तो बीए पार्ट जो फर्स्ट ईयर है उसमें सारे ही क्लास जो हैं वैसे सारे ही सेमेस्टर के अनुसार होने हैं, चाहे वो बी कॉम है, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो साइंस है, सारे के सारे फर्स्ट ईयर में अपनी बात सेमेस्टर प्रणाली लागू करती है। बाकी और जो बीए सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, वो सारी चीज़ें क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि और बच्चे कंफ्यूज नहीं हों, बी ए पार्ट फर्स्ट ईयर जो है उसी को सेमेस्टर में लागू किया गया है इस साल। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी कॉलेज हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो अब की बात फर्स्ट ईयर में हैं, जिनको सेमेस्टर समझ नहीं आ रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या रखा है, सेकेंड में क्या रखा है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका, उसमें आपका फर्स्ट पेपर ही रखा गया है, न कि सेकेंड का कोई पार्ट उसमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपसे अनुरोध ये है कि आप अच्छी तरह से सेकेंड पेपर को अभी नहीं देखें, नहीं पढ़ें, क्योंकि वो सेकेंड सेमेस्टर में आने वाला है, तो इसकी एग्ज़ाम लगेगी, उसके बाद फिर आपकी दोबारा क्लासेस चालू होंगी, उसके बाद में उसका पेपर लगेगा, तो उसके लिए आपके पास समय है। और अब समय का अभाव जो है वो फर्स्ट पेपर के लिए है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चौथे महीने में जाके सेमेस्टर की जो भी दिया है कि भाई क्या क्या आना है, तो समय भी निकल गया। हालांकि किताबें फर्स्ट पेपर पढ़ाया है, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज था, हमें भी कुछ इस तरह की बातें भ्रांति थी कि भाई आधे फर्स्ट में से रखेंगे, आधे सेकंड में से रखेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। आपका फर्स्ट पेपर है, उसी को फर्स्ट सेमेस्टर में रख दिया है। तो देखिए, अब रखा क्या है, कैसे रखा है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, उसको थोड़ा सा आप नोट कर लो या देख लो या उसको समझ लो, सारी तस्वीर आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बी ए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसी के सेमेस्टर जो है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपके लिखा है प्रथम सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर का मतलब फर्स्ट पेपर, यहाँ लिखा है हिंदी, ठीक है, प्रश्न पत्र फर्स्ट लिखा है। और क्या है, अब प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है उसमें है क्या है, आपकी बुक का नाम आदिकाल और भक्ति काल, आदिकाल और भक्ति काल काल है आपके उसमें, तो फर्स्ट सेमेस्टर में वही बुक आपकी रखी गई है, समझ गए आप। और आप देखिए अंकों का जो विभाजन किया है वो किस तरह से किया है, टोटल आपका प्रश्न पत्र है वो कितने का रखा है, 120 का है, 120 का, और 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के। तो ये 120 नंबर का जो सिस्टम रखा है, ये तो आपको पढ़कर एग्जाम देकर ही आपको लाना है, लेकिन जो आंतरिक मूल्यांकन रखा है वो आपको कॉलेज के टीचरों द्वारा कुछ वर्क दिया जाएगा, और उस वर्क को आप तैयार करके टीचरों को देंगे। तो टीचर आपको 30 नंबर में से कितने देते हैं और कैसा आप करते हैं, ये टीचरों के ऊपर है। तो टीचरों का जो भार है वो 30 नंबर का दिया है, अब वो आपको अच्छी तरह से आपकी कॉपी जो बनवाई जाती है उसको आप अच्छी तरह से बनाएं, अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से लिखें, अच्छी शैली में लिखें, तो आपको 30 नंबर की मार्किंग ठीक से हो जाएगी। तो यहाँ 120 नंबर का आपका पहला पेपर है, ये ध्यान रखना है, पहले 100 का होता था, अब 120 का है। तो बुक का नाम क्या है, आदिकाल और भक्ति काल है। आप देखिए अंकों का विभाजन थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझ लो कि अंकों का विभाजन किया है, प्रश्न पत्र फर्स्ट सेमेस्टर में पहला प्रश्न पत्र जो है उसको 3 अंकों में, कितने में, 3 खंडों में,
तीन खंडों में विभाजित किया गया है। खंड ए में क्या रखा है इसको देख लो। खंड ए में खंड ए के अंतर्गत प्रश्न संख्या एक होगा। खंड ए में प्रश्न संख्या एक होगा और एक जो प्रश्न है ना उसमें अति लघुतरी जो प्रश्न है वो कितने आएंगे 10। ध्यान रखना पहले इस तरह का कोई विकल्प नहीं था, इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं आते थे छोटे, लेकिन अब प्रश्न संख्या एक में अति लघुतरी प्रश्न आएंगे आपको। वो सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो फर्स्ट पेपर है पद का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है जितने भी पाठ है उसमें से कहीं से भी आपको क्या पूछ लेगा, जिसमें आपका आदिकाल भक्तिकाल और जो कवि है उनमें से किसी के विषय में भी आपसे कोई छोटा क्वेश्चन पूछेगा। तो एक अति लघुतरी प्रश्न होगा जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे 10, छोटे वाले 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है 2 नंबर का, तो कितना हो गया 120 नंबर का हो गया। ठीक है, पहला खंड जो है जिसमें 10 क्वेश्चन आने हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम से आएंगे, जितने भी पाठ है उनमें से आएंगे, भक्तिकाल आदिकाल में से आएंगे, प्रत्येक नंबर 2 का होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन है 20 नंबर आपके हो गए। अब देखिए खंड बे, बे के अंतर्गत प्रश्न संख्या क्या है 2, 3, 4, 5। पहला क्वेश्चन तो खंड ए में चला गया और जो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है खंड बे में क्या दिया है प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, ये आपका किसका होगा शब्द व्याख्या का होगा, वो अति लघुतरी प्रश्न का था और खंड बे में 2, 3, 4, 5 ये किसके होंगे से प्रसंग वाक्या होंगे। से प्रसंग वाक्या जो आएंगे आपको 4, उनमें आंतरिक विकल्प भी होगा, ऐसा नहीं कि 4 ही आपको आए, उनमें आंतरिक विकल्प भी आएगा आपको अथवा में, तो से प्रसंग वाक्या होंगे आपके और प्रत्येक वाक्या कितने नंबर की होगी 10 नंबर, प्रत्येक वाक्या 10 नंबर की होगी, तो टोटल 2, 3, 4, 5 खंड बे में रखेंगे, इनमें से 10 नंबर की प्रत्येक वाक्या है, 4 आएंगे आपको और 4 कितने की हो गई 40 नंबर। ठीक है, 10 नंबर की पहले आती थी लेकिन इसमें क्या है कि इकाइयों में बांट दिया है, थोड़ा सा वो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आंतरिक विकल्प आपके सामने होगा। और अब खंड से दिया है तो खंड से के अंतर्गत प्रश्न संख्या क्या रखा है 6, 7, 8, 9 और वे में क्या क्या रखे थे 2, 3, 4, 5। पहले खंड में क्या रखा क्वेश्चन एक, पहले खंड में क्वेश्चन एक था जो 10 क्वेश्चन आने हैं और दूसरे खंड में 2, 3, 4 किसका रखा है प्रसंग व्याख्या का रखा है और उसके बाद कितना है कि प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 ये निबंधात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक। और ये जो प्रश्न आएंगे आपको 6, 7, 8 ये प्रत्येक इकाई से आएंगे, जो आपकी इकाई का बंटवारा किया है कौन से पाठ किस इकाई में रखा है, तो 4 इकाइयों में टोटल बांटा है आपके पाठ, तो 4 इकाइयों में बांटा है, पहली इकाई आदिकाल की रखी है, उसके बाद जो पाठ है 3-3 कवि हैं वो रखे गए हैं, तो प्रत्येक इकाई से एक एक क्वेश्चन होगा। ध्यान रखना प्रत्येक इकाई से 6, 7, 8 नंबर का प्रत्येक इकाई से होगा क्वेश्चन, वो निबंधात्मक होगा, प्रत्येक इकाई से एक क्वेश्चन आएगा आपको, समझ लो। तो फिर क्या किया है कितने नंबर का एक क्वेश्चन रखा है 15 नंबर का, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 4 हो गए तो 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, 4 हो गए क्वेश्चन तो 15 चौका 60। ठीक है, अब देख लो यहाँ टोटल कर लो, सुपर 6, 6 दूनी 12 120 टोटल कितने का हो गया आपका 120, ऊपर क्या लिखा है 120, तो 120 की मार्किंग आपको खुद अटेम्प्ट करनी है, 120 में से आप कितने लाते हैं कैसे पढ़ते हैं वो सारी चीज, लेकिन यहाँ आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि अंकों का विभाजन कैसे है, तो ये अंकों का विभाजन मैंने आपको क्लियर बता दिया है। और इसके बाद आप इकाई देखो कि किस इकाई में क्या रखा है वो थोड़ा सा मैटर आप समझ लो, तो देखिए इकाई फर्स्ट रखा है, इकाई फर्स्ट रखा है तो फर्स्ट इकाई में क्या है आदिकालीन काल की प्रमुख प्रवृत्ति, जो शुरुआत में आपकी जो बुक है ना
जो आदिकाल भक्ति काल, उसमें शुरू में ही आदिकाल और भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ दे रखी हुई, तो थोड़ा सा उसको देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। आदिकाल भक्ति काल की पृष्ठभूमि है वो भी मैंने चार पांच पॉइंट बताए थे आपको, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये आप पृष्ठभूमि के रूप में चाहे आदिकाल पूछे चाहे भक्तिकाल पूछे, उनके जिम्मेदार परिस्थितियाँ जो हैं यही पांच फिक्स पॉइंट हैं। बस समय के हिसाब से उनके अंदर का मैटर है वह आपको अलग चेंज करना है, ध्यान रखना है। तो पहली इकाई में आदिकालीन काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखी। तो प्रवृत्तियाँ जो शब्द है, प्रवृत्तियों का मतलब घबराना नहीं है, प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषताएँ, आदिकाल की कौन कौन सी विशेषताएँ थी। तो आदिकाल की विशेषता मैंने आपको बताई थी क्या है, अरे सीधी बात है कि उसमें दासों काव्य जो है, दासों साहित्य लिखा गया है, फुटकर कविता लिखी गई है, ठिंगल ठिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ है, राजस्थानी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, नहीं क्या छंद जो है उसमें दोहा छंद है, अलंकार है उनका। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आदिकाल के रूप प्रवृत्तियाँ। तो ये विशेषता आपसे पूछेगा, प्रवृत्तियाँ का मतलब है विशेषता से। उसके बाद आदिकालीन साहित्य की अंतरधाराएँ पूछेगा, अंतरधाराएँ, अरे आदिकालीन साहित्य की अंतरधारा कौन कौन सी थी मैंने आपको बताई थी, जिसमें नाथ साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, लौकिक साहित्य है, रासो साहित्य है, ठीक है। तो आपको कहाँ दिक्कत है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, तो वही चीज आदिकालीन काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और आदिकालीन साहित्य अंतरधारा है। भाई प्रवृत्तियों का मतलब है विशेषता से कहा था आपने, क्योंकि आदिकाल राजा महाराजाओं का समय था, तो राजा के आश्रम में कौन कवि हैं वो पलते थे, पालन पोषण होता था, राजाओं की प्रशंसा होती थी, युद्धों का सजीव चित्रण होता था, नहीं क्या। तो फिर सीधी बात है, तो यहाँ कहीं कन्फ्यूज नहीं हो रहा, पहली इकाई में रखा है और उसके बाद भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, अरे भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी हैं समझ लो, अरे भक्ति काल में सगुण साकार रूप का जो पूजा प्रार्थना जो की है उसका स्वरूप है, नहीं क्या गुरु का महत्व है, ये सारी चीज जो आपको मैंने बताई भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अब भक्ति काल की जब प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपसे पूछता है, विशेषता पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि आप सगुणी सगुण की लिखें, आप निर्गुण की नहीं लिखें, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है भक्ति काल की, तो भक्ति काल में दोनों चीज आ गई, निर्गुण भी आ गया सगुण भी, तो दोनों का मिक्सचर रूप आप इसमें लिख सकते हैं। ये भक्ति काल की अंतरधारा है। अब भक्ति काल की अंतरधारा कौन कौन सी है, अरे मैंने आपको काल इसका डिवाइडेशन किया था, जिसमें बताया था कि सगुण और निर्गुण दो अंतरधारा है। सगुण के अंदर कौन है, एक राम काल धारा है, एक कृष्ण काल धारा है। राम काल धारा के परिवर्तक तुलसीदास है, कृष्ण काल धारा के परिवर्तक सूरदास है। उधर जाओ निर्गुण में तो एक संत काल धारा है ज्ञानाश्रय जिसको बोला है, एक सूफी काल धारा है जिसको प्रेमाश्रय बोला है। तो निर्गुण का कौन है परिवर्तक, कबीरदास है, और प्रेमार्थी का कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है, बस ये उसके अंदर धारा होगी, समझ लो। तो ये पहली इकाई आपकी कंप्लीट। अब दूसरी जो इकाई है, अब देखिए दूसरी जो इकाई में चालू जो किया है वो कहाँ से किया है, आपके पाठों को तीन तीन पाठों को एक एक इकाई में रखा है, तो सभी से क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ लिखा है इकाई दो, इकाई दो, इकाई दो में आपका पहला जो तीन पाठ है जो आदिकाल के हैं, आदिकाल के हैं, ढोला मारूंगा दोह, ढोला मारूंगा दोह लिखा है जो कवि कल्लोल के द्वारा है, ठीक है। विद्यापति है, जो विद्यापति की पदावली है जो मैथिली भाषा में लिखी है, नहीं क्या, कीर्ति लता कीर्ति पताका भी लिखी है जो अपभ्रंश भाषा में लिखी है। तो विद्यापति और भीषणदेव रास जो लिखा है वो किसने लिखा है, नरपति नाथ। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आदिकाल के तीनों ही लेखक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप उनको चाहे तो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तीसरी जो इकाई है वो क्या है, आपके निर्गुण कामधारा के प्रमुख प्रवर्तक है, कबीरदास जी को रखा है और जायसी को रखा है, तुलसीदास को रखा है, तीन। तीसरी इकाई में क्या रखा है, कबीरदास, जायसी और तुलसीदास। और चौथी जो इकाई है उसमें रखा है सूरदास, मीरा और रस का, जो कृष्ण से जुड़े हैं, जो कृष्ण से जुड़े हैं
ये तो परब्रह्म के परमात्मा एक ईश्वरवाद के समर्थन करते हैं। कबीरदास जी इन्होंने प्रेम के माध्यम से परमात्मा को संकेत किया है। तुलसीदास तो सब साकार तुलसी राम के दास हैं, दास भाव की भक्ति है, ये प्रेम भक्ति है, ये सत्य भाव सॉरी कबीरदास के नाम स्मरण की भक्ति है और सूरदास की है वो सत्य भाव की भक्ति है, ये मालिक भाव की भक्ति है मीरा की। तो चौथी जो इकाई है उसमें सूरदास है, मीरा है और रस था, क्योंकि तो ये इस तरह से एक दो तीन और चार इकाई होगी। तो चारों इकाइयों के से आपसे प्रश्न पूछ जाए, ध्यान रखें। अब देखिए आंतरिक मूल्यांकन है, ये 30 नंबर का मैटर है जो हमारे हाथ में होगा, अर्थात टीचर के हाथ में होगा। इसमें आपको वर्क दिया जाएगा जिसको आपको कोई भी कॉपी जो बनाएंगे वो कॉपी में वो वर्क करके लाना है, उसका मूल्यांकन हम करेंगे और उसके बाद में फिर उसमें से जो मार्किंग होगी वो आपके मार्कशीट में ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा पहली बार किया है, अब से पहले नहीं था। तो देखिए आंतरिक मूल्यांकन में क्या दिया है समझ लेना। आंतरिक मूल्यांकन आदिकाल भक्तिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकाल भक्तिकाल की पृष्ठभूमि पर हम दे सकते हैं। इसका मतलब है आदिकाल और भक्तिकाल की पृष्ठभूमि कौन सी है, जो पांच है, इसमें धार्मिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये सारी चीज जो है ये पृष्ठभूमि है। नामकरण इसका मतलब है आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, किस किस ने क्या नामकरण दिया, किसी ने चारणकाल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, नहीं क्या, किसी ने वीरकाल कहा, अलग अलग है। तो ये सारी चीज आपको पढ़नी है। और निर्गुण सगुण समानता और अंतर, जो भक्ति काल जो है उसमें निर्गुण सगुण जो है वो जो काल धाराएं हैं उनमें समानता और अंतर क्या है, उस चीज के ऊपर भी आप तैयार कर सकते हो अपना लेख। और उसके बाद रामचंद्र मानस का महत्व, जो हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जो सर्वोपरि है, जिस तुलसीदास जी का रामचंद्र मानस, जो तुलसीदास ने 12 ग्रंथ लिखे हैं उनके ग्रंथों का नाम भी आपको याद रखना है, लेकिन उनमें से मानस का महत्व पूछा है रामचंद्र मानस, समझ लो। और यहाँ सुख का वात्सल्य है, जो माँ यशोदा कृष्ण का जो वात्सल्य है, क्योंकि वात्सल्य का मतलब होता है माँ का संतान से जो प्रेम है, सूरदास के द्वारा 10वां रस जोड़ा है उसको और 11वां भक्ति रस जोड़ा है, ये इन्हीं की बदौलत है सूरदास को, जिसको वात्सल्य को और भक्ति को रस का रूप दिया है। तो सूरदास का वात्सल्य वर्णन कैसा था, उसमें माँ यशोदा कृष्ण की मतलब जिसमें संयोग भी होता है वियोग भी होता है, दोनों ही स्थिति का चित्रण वात्सल्य रस में कर किया है। उसके बाद सूफी काल की विशेषता, सूफी काल कौन सा, जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे, जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि है। सूफी कवियों ने ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं को आधार मानकर प्रेम के माध्यम से जीवात्मा को परमात्मा का प्राप्त करने का संदेश एक मार्ग बताया है, उसका सूफी काल की विशेषता वो आपसे लिख सकते हो उसको, क्योंकि जैसे मसनवी से भी है प्रेम का, जीवात्मा परमात्मा का अंतर है, एक जो सारी चीज़ें हैं वो जिनको उन्होंने उस सूफी का विशेषता को इशारा किया है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट सेमेस्टर, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो आपको तो आप और कमेंट्स करके, कोई भी बात है तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब लाइक करें, बाकी मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। धन्यवाद।